नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट टाइम टेबल, टाइम टेबल क्या होना चाहिए। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर 2021 आ गया है, इस साल वैकेंसी भी बहुत ज्यादा आने वाली है, तो क्या टाइम टेबल हमें रखना चाहिए। सबसे बड़ी वैकेंसी की बात कर लें तो यूपीएसआई 2020/21 की जो वैकेंसी है वो सबसे पहले आएगी। लेखपाल का जो UP SSSC इस बार लेखपाल का एग्जाम पीईटी के थ्रू लेगा, ठीक है। पीईटी के बारे में वैसे तो मैं बता चुका हूं, लेकिन उसका सिलेबस क्या होगा, क्या चीज होनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो यूपीएसआई 2020 लेखपाल और अन्य भर्तियां जैसे कि UPASIM जिसको कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल एग्जाम, और आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम हो सकता है। तो ये आपकी लगभग 7-8 वैकेंसियां जो हैं। बाकी आपके अन्य सेंट्रल के एग्जाम है जैसे IBACIO का फॉर्म आ चुका है, 9 तारीख लास्ट डेट है, और अगर आप भरना चाहें तो उसको भर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एग्जाम है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई ये एक आपका GS कंबाइंड बैच, ये आपका स्टार्ट होगा 10 तारीख से, 10 जनवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है। और 10 जनवरी के बाद आपका जो है जितनी भी इसमें चीजें हैं, ये जो जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे कंप्लीट कराए जाएंगे। इसमें बैच स्टार्ट 10 जनवरी से है, और इन दोनों नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके आप इसकी डिटेल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको सब्जेक्ट बता दिए, यही सब्जेक्ट इसमें कंप्लीट कराए जाएंगे। वीडियो क्लासेज एंड PDF के माध्यम से आपके जो है ये पूरा के पूरा आपको GS का कंप्लीट, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए आपको GS आराम से निकाल देगी। UPSI टारगेटेड जो है वो GS 10 तारीख से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि देखिए 2020 आपका निकल गया है, ठीक है, और 2020 से आप एंट्री कर रहे हैं 2021, एंट्री कर क्या रहे हैं, एंट्री कर चुके हैं, ठीक। आज हो गई है 4 जनवरी 2021, अभी ऐसा लग रहा है कि अभी अभी तो नया साल बदला था, 1 तारीख है। तो इसी तरीके से जनवरी जाएगी, फरवरी जाएगी, मार्च जाएगी, अप्रैल आएगी, अप्रैल जाएगी, उसके बाद आपका जो है उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी किसी भी दिन आपके एग्जाम। देखिए मैंने हमेशा बोला है कि साल का जो कोई भी जब भी साल ईयर स्टार्ट होता है, ईयर के शुरू के 4 महीने होते हैं तैयारी के, उसके बाद तो एग्जाम ही देना होता है आपको। एक एग्जाम जाएगा, 1 महीने बाद दूसरा जाएगा, दूसरा आ जाएगा तो फिर दूसरा जाएगा। इस तरीके से जो है एग्जाम की झड़ी लग जाती है। दूसरा न्यूज ये है कि भाई मार्च बट्टे अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जो है वो पंचायत चुनाव खत्म हो जाएंगे, तो पंचायत चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद पंचायतें एस्टेब्लिश रहेंगे, फिर किसी भी प्रकार का कोई भी जो है आगे आपका जो है कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम, या फिर ऐसा नहीं है कि नहीं अब जो है गवर्नमेंट पेपर लेने के मूड में नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अब फिर आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले आपका पेपर होगा UPSI 2020 का, ठीक है। नोटिफिकेशन भी आपका जो है जनवरी लास्ट तक या फरवरी में आने के चांसेस हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको समय ज्यादा नहीं दिया जाएगा, इसलिए अपने दिमाग में लगा के रखें ओनली 4 महीने हैं आपके पास। फिर दूसरा देखिए स्टडी का आता है, सबसे बड़ा पॉइंट जो आता है वो स्टडी का आता है कि भाई स्टडी किस तरीके से करी जाए, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन एक एक प्रॉपर तरीके से एक जो सिस्टम होता है, प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम होता है उसके हिसाब से नहीं पढ़ते हैं, ठीक। कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी होता चला जा रहा है, लेकिन बात वही है, 1 से 1.5 साल की तैयारी के बाद भी उनको यही लगता रहता है कि अगर एग्जाम आ गया तो हम UPSI या फिर किसी भी एग्जाम को हम नहीं क्लियर कर पाएंगे। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि वो सिस्टम नहीं बना पाते हैं कि उनको क्या पढ़ना है, क्या उनका हो चुका है, क्या नहीं हो चुका है। दूसरा कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है। देखिए दोस्तों कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपको एग्जाम में एग्जाम जो है आपको क्वालिफाई करा सकता है, और आपको सब कुछ आने के बाद भी आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारे लड़कों को ऐसा लगता होगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें मायने रखती हैं, आप सभी के लिए मायने रखती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्टूडेंट कितने टाइप के होते हैं। अगर टाइम टेबल है कि एक टाइम टेबल बनाने की बनाया जाए, तो टाइम टेबल बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट का देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो तैयारी करते हैं किसी भी कंपटीशन का। मैं यहां पर सभी प्रकार के कंपटीशन को लेकर चल रहा हूं, UPSI हो गया, आपका लेखपाल हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, ठीक है। जो लोग UPSI में एलिजिबल नहीं है, मेरा उनसे पर्सनली ये कहना है कि आप लेखपाल के लिए पूरी जान लगा दीजिए। तो देखिए फुल प्रिपरेशन जो है, एक तो वो स्टूडेंट हो जाए तो फुल प्रिपरेशन मोड में होते हैं, 24 घंटे उनके पास जो है किसी भी प्रकार का स्टडी के अलावा कोई काम नहीं होता। दूसरा होते हैं वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये होता है कि 10 to 5 उनका टाइम ये फिक्स होता है 10 to 5 का। प्राइवेट जॉब में क्या होता है, प्राइवेट जॉब में भाई आपको समय से निकलना पड़ेगा, लेट नाइट आना पड़ेगा, तो 9 से लेकर मैं लगा लेता हूं लगभग 8 बजे तक, प्राइवेट जॉब का ही होगा। न्यू स्टूडेंट को मैं ये कहता हूं, न्यू स्टूडेंट का मतलब होता है कि मतलब उसको कुछ नहीं पता, जो एक्सपीरियंस होता है उसको किसी भी प्रकार के कंपटीशन के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, कंपटीशन का उसे सी भी नहीं आता है।
तो ये स्टूडेंट होते हैं, और वो स्टूडेंट जो एक्सपीरियंस्ड है, मतलब जिनको 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, ऐसा उनको जो है एग्जाम देते देते हो गया है। ठीक है, तो इन सबके बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं लेता हूं फुल प्रिपरेशन मोड में जो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। देखिए, फुल प्रिपरेशन मोड में तैयारी कर रहे हैं, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन हो सकता है आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें घुस जाएं जो आपको बहुत ज्यादा फायदा करें। तो 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे से कुछ नहीं होता। आप कंटिन्यूटी में, आपकी आपका जो है कंटिन्यूटी कितनी आपने बना रखी है, वो ज्यादा मैटर करता है। भाई मैं एक यूनिक बात कहता हूं कि 8 से 10 घंटे ही पढ़िए, ठीक है। लेकिन वो 8 से 10 घंटे ऐसे होने चाहिए कि आपको लगे कि हाँ, जब आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लें, ठीक है, तब आपको लगे कि हाँ ठीक है यार, मैंने इतना कर लिया है। ठीक, अगर जिसको ज्यादा ही जुनून है तो वो 10 से 12 घंटे कर सकता है, उससे आगे आपको नहीं पढ़ना है। दिमाग की क्षमता मैक्सिमम इतनी ही होती है, उसके आगे आप पढ़ेंगे तो या तो बीमार पड़ जाएंगे या बहुत ज्यादा अपने आपको स्ट्रेस ले लेंगे। स्ट्रेस से बहुत ज्यादा दूर रहें, ठीक है। आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से इन 8 से 10 घंटों को या 12 घंटों को कैसे आप बांट सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं तो 10 से 5 की जॉब होती है उनकी, 5 से मतलब लगभग लगा लो 6 बजे तक वो लोग घर आ जाएंगे, या फिर 9 से 6 की मान लो। तो 9 से 6 की मतलब ये होता है कि भाई उनको 9 बजे से पहले सुबह टाइम है और 6 बजे के बाद उनपे एम्पल टाइम। तो यदि कोई आदमी मान लीजिए 11 बजे सोता है तो 6 और 5, 5 घंटे यहां हो गए, और अगर वो मान लीजिए लगभग 5 बजे सुबह उठ जाता है, ठीक है, क्योंकि भाई थोड़ा सा तो अपने आपको शरीर को अपने उसको इच्छाओं को मारना पड़ेगा, नींद को थोड़ा सा आपको, तो 5 से लेकर 4, 9 बजे तक मतलब 4 घंटे आपके यहाँ हो गए। तो 5 और 4, 9, 9 घंटे हो गए। 9 घंटों में मैं 1-1 घंटा लगा हटा देता हूं इसमें कि भाई तैयार होने का। जैसे भाई आपका मान लीजिए 6 बजे के बाद आए तो आप एकदम तो पढ़ने नहीं बैठोगे, 7 बजे से यदि आप पढ़ने बैठते हैं, 9 बजे तक, 9 बजे खाना खाते हैं, आधे घंटे बाद फिर पढ़ने बैठते हैं, तो लगभग 4 घंटे आप यहां पढ़ लेंगे, प्लस सुबह का अगर 4 घंटे है तो 3 घंटे यहां पढ़ लेंगे। 7 घंटे आप आराम से दे सकते हैं, 6 से 7 घंटे जो लोग गवर्नमेंट जॉब में। और यदि आप 6 से 7 घंटे आप देते हैं तो विश्वास करिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, पॉजिटिव में ही रिजल्ट रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैं वो जो प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट जॉब का मतलब होता है 9 से 8, ठीक है, 8 बजे तक मतलब आप घर पहुंच जाते हैं। तो 9 बजे अगर आप निकलते हैं तो लगभग आपके 5 बजे आपको भी उठना पड़ेगा, तो 4 घंटे आपका टाइम ये हो गया, ठीक है, 5 से 4 के बीच में। उसके बाद आपका आप 8 बजे आते हैं तो 9 से 2 घंटे तक, 11 बजे तक आप दे सकते हैं आराम से, ठीक है। तो लगभग 4 और 2, 6, 5 से 6 घंटे प्राइवेट जॉब वाले भी पढ़ सकते हैं, और पढ़ नहीं सकते तो आपको निकालनी पड़ेगी। अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आप मिड जॉब में आप थोड़ी बहुत आप तैयारी कर सकते हैं तो आप उसको भी करते रहिए। न्यू स्टूडेंट्स के बारे में मैं बता दूं, सबसे पहले तो आपको सिलेबस को ध्यान देना है, और न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं सबसे अच्छा एक चीज ये चीज बता देता हूं कि सबसे पहले ये कोशिश करिए कि अपना दिमाग लगाइए, ठीक है, एकदम मतलब ये वाला बैच ले लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कोई बैच किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से आपकी फुल मदद नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद अपनी मदद नहीं करते हो। तो सबसे पहले अपना सिलेबस देखिए, बुक्स देखिए, कौन कौन सी बुक्स मुझे पढ़नी है, सेल्फ से तैयार करिए, उसके बाद मदद की सबको। इस साल, इस बार के कंपटीशन ऐसे हो गए कि बिना मदद के आप कहीं भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। सेल्फ स्टडी का जमाना जो है वो जा चुका है, कुछ लोग अभी भी सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन ले जाते हैं, लेकिन हर एक की बस की नहीं होती है। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस स्टूडेंट के साथ एक चीज होती है, वो रीजनिंग भी कर लेते हैं, मैथ भी कर लेते हैं, हिंदी भी कर लेते हैं, जीएस भी उनको थोड़ी बहुत आती है। बस उनको एक चीज ये करनी है कि 5 से 6 घंटे आप लगा के बैठिए, और इन 5 से 6 घंटों में अपनी जो कमियां हैं उनको ढूंढिए। कमियां ढूंढने के बाद आप जो है उन कमियों को इन घंटों में आप सुधारिए। जैसे हिंदी में अगर, यदि आपको पता है कि हिंदी में मेरे सवाल कौन से गलत होते हैं, किस चैप्टर से गलत होते हैं, उस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। रीजनिंग में आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो कि रीजनिंग में आपको परेशान कर सकती है। मैथ में, जीएस में सेम ऐसी अप्लाई होता है सारी चीजें। तो ये चीज होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि घंटे तो आपने डिसाइड कर लिए, आपने घंटे तो डिसाइड कर लिए, लेकिन उन घंटों को कैसे कैसे टाइम देंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, 4 पोर्शन आते हैं, मैथ आती है, जीएस आती है, रीजनिंग आती है, और आपका क्या आता है, हिंदी। उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों में ये कॉमन चीज आती है। अब इनके लिए क्या है, देखिए, यदि आप 2-2 घंटे देते हैं, 2 घंटे बहुत होता है, 2-2 घंटे देते हैं तो 2 घंटे मतलब 8 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, 8 घंटे के बाद 2 घंटे आप रिवीजन मान लीजिए तो 10 घंटे हो गए। तो तभी मैंने बताया था 8 से 10 घंटे। ज्यादा अगर है तो 12 घंटे, 12 घंटे को कैसे डिवाइड करोगे कि भाई 2 घंटे जो ये 10 से 12 वाला घंटा है, इसमें ये देख लीजिए कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है, उस पर आप 1-1 घंटा और दे दीजिए,
इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। जो लोग जॉब में हैं उनको थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है, पहली बात तो मैं आपसे आपके दिमाग से ये निकाल देना चाहता हूं कि सब कुछ पढ़ के ही सिलेक्शन होता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर हमें सब कुछ करना है, कुछ नहीं छोड़ना, पॉसिबल ही नहीं है। यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें जो स्टूडेंट्स होता है जो ब्रिलियंट होते हैं वो 60 से 70% ही सिलेबस कर पाते हैं। ठीक, तो आप तो किसी प्रकार से कहीं टिकते ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है उन चीजों को, जॉब वाले स्टूडेंट्स उन चीजों को छोड़ें जो चीजें उन्हें प्रॉब्लम करती हैं, या फिर जो चीजें जैसे जीएस में मूल विधि का मतलब मैं यहां संविधान को हटा के बोल रहा हूं, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और डिफरेंट एक्ट जो होते हैं, ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि जीएस में यदि आप यूपीएसआई में जीएस में मूल विधि नहीं करोगे तो दरोगा नहीं बन सकते। जबकि एग्जाम्पल आपके सामने लाइव है कि 2016 वाला यदि आप पेपर देखेंगे, कोई कोई सेट ऐसा है जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविड सारे एक्ट मिला के 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं, किसी किसी में 4 आ गए हैं। और ये सबको पता है कि आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लोगे, 4 के 4 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे वहां पे। लेकिन संविधान एक ऐसी चीज है, यदि आपने ठीक से पढ़ी तो इतना तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि यदि अगर 18 क्वेश्चन आए तो 16 तो सही कर ही आओगे, 16 सही कराओगे अगर आपने ठीक से अच्छे से डेप्थ में पढ़ा। इस तरीके से स्मार्ट स्टडी आप करिए, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ आएगी और कौन सी चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सारे एक्ट्स को पढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, और जो लोग जो आदमी जो लोग पढ़ा रहे हैं और जो लोग पढ़ रहे हैं उनको भी स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए, क्या मैं इसको याद कर पाऊंगा और क्या मैं सॉल्व कर रहा हूँ आंसर क्वेश्चन। उनको यह तो लगता है कि हाँ मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए। मैं बता रहा हूं 9534 में 9000 लड़के ऐसे होंगे जो कि आराम से सिंपल तरीके से एवरेज स्टूडेंट होंगे, कुछ कुछ तैयारी लगभग 60 से 70% अपनी तैयारी करके और अपना एग्जाम क्रैक करके और डबल स्टार उनके लग जाएंगे। कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि लाखों की संख्या में होंगे, सब कुछ तैयारी करने की कोशिश कर रहे होंगे और उनको क्या होगा एंड में जाके रिटिन में उनको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये होती है स्मार्ट स्टडी। जब जैसे मैथ में आपको पता है कि एडवांस जो है एडवांस से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो क्यों अपना एडवांस में दिमाग खराब करो भाई। आप 2-3 क्वेश्चनों पे क्यों मेहनत कर रहे हो, मेहनत करो तो उन 35 क्वेश्चन पे करो जो आपके उससे आएंगे, क्वांट से आएंगे भाई, एवरेज है, प्रतिशतता है, ये सब उनसे आएंगे। मैंने टॉप 10 टॉपिक बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो की लिंक है, आप जाके देख लीजिए। मैथ्स के लिए रीजनिंग में भाई सीधी सी बात है, आप रीजनिंग में, मैं ये सारे के सारे टॉपिक की बात कर रहा हूँ, जितने भी एग्जाम होते हैं सबकी बात कर रहा हूँ भाई। यूपीएसआई में ये चीज होती है, संविधान ज्यादा आता है, लेकिन मैथ रीजनिंग तो सब में कॉमन आती है ना। जेल वार्डन का पेपर देखिए, तो जेल वार्डन के पेपर को देख के आपको पता चल जाएगा कि वो, देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, रीजनिंग रीजनिंग और जीएस यही दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें की जो भर्ती बोर्ड है या फिर जो जो कंपनी है जो पेपर कराएगी वो आपको घुमाएगी, इसी में ही घुमाएगी, रीजनिंग और जीएस। ठीक है, हिंदी के लिए क्या है, हिंदी के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले बेसिक बुक से स्टार्ट करिए, ल्यूसेंट की बुक है, उसके बाद आप उसको उसको जो एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है उससे, आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक्स पूरी नहीं पढ़नी है, लूसेंट की बुक आपको पूरी पढ़नी है, पूरी ए वन वर्ड बाय वर्ड। लेकिन आदित्य पब्लिकेशन में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, मैं हिंदी की स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊंगा तब आपको उसमें डिटेल में बता दूंगा। तो ये सारी चीजें हैं, कॉमन चीजें हैं, हिंदी भी आपको लेखपाल में भी पढ़नी है, रीजनिंग आपको लेखपाल में भी पढ़नी है, मैथ भी आएगी लेखपाल में और आपका जीएस भी आएगा लेखपाल में। ठीक, देखिए जीएस के साथ एक सबसे अच्छी क्या चीज होती है, यदि आप एक बार अगर आप उसको ढंग से पढ़ लेते हैं डेप्थ में, खासकर संविधान और अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं, दिमाग में अगर आप आपके बसा लेते हैं उसको, दिमाग से सही तरीके से सटीक तरीके से अगर आप समझ लेते हैं, समझना बहुत जरूरी है। सब लोग समझते हैं कि जीएस का मतलब रट मारो, नहीं, पॉसिबल नहीं है रटना उसको। ठीक, जीएस प्रशांत महासागर है, ठीक, और आपको यूपीएसआई के लिए मात्र उसमें से एक बाल्टी भरना है। लोग सोचते हैं कि प्रशांत महासागर की पूरी डुबकी लगा के और अपना एग्जाम निकाल ले जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, अपना टाइम टेबल आप खुद बनाइए। मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी टाइम टेबल बनाने की, कि किस तरीके से आपको 7 से 8 घंटे निकालने हैं, सुबह क्या पढ़ना है, शाम को क्या पढ़ना है। ठीक है भाई, जिसको शाम को आने के बाद थकान हो जाती है तो आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़िए जैसे जीएस हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, जिसमें आपको पेन ना चलाना पड़े। सुबह सुबह दिमाग फ्रेश होता है तो आप मैथ करिए, रीजनिंग करिए, ठीक है, हिंदी को अपना करके जो है बिल्कुल एक एक साइड में हटा दीजिए, हिंदी को पूरा पूरा रट के और साइड में हटा दीजिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है 15 दिन में रिवीजन में भी दोबारा हो जाएगा। ठीक, तो
तो इस तरीके से अगर आप लेके चलते हैं आपका एग्जाम और आप में कॉन्फिडेंस, देखिए एग्जाम क्वालिफाई तभी करेंगे जब आप कॉन्फिडेंस में होंगे। लंबी लंबी क्लासेस से, लंबे लंबे चीजों से ज्यादा बचिए, ठीक है कि 100 पेज की, 200 पेज की आपको पीडीएफ दे दी, किसकी दे दी भाई, आईपीसी की दे दी 200 पेज की पीडीएफ या 50 पेज की पीडीएफ। जब आप 50 पेज की पीडीएफ आईपीसी के पढ़ेंगे तो सीआरपीसी और अन्य एक्टिव कितना पढ़ेंगे, 500 पेज। 500 पेज में, 500 पेज पढ़ने के बाद आपको क्या क्या सफलता मिलेगी, मात्र 4 क्वेश्चन, वो भी आप 2 से ज्यादा नहीं कर पाओगे अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट होगे। लेकिन यदि आप 50 से 100 पेज संविधान के पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझना बहुत जरूरी है संविधान को, पीडीएफ सिर्फ पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना, ना ही बुक से पढ़ें तो बुक से समझें। आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी का जो वो यूपीपीसीएस जो होता है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है, उसका अध्यक्ष को हटाता कौन है, उसको नियुक्त कौन करता है, ये चीजें ऐसी होती है जो स्टेटमेंट में आप खेलोगे वहां पे। तो 50 से 100 पेज की अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं, उसके बाद संविधान से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 16 से 18, इतना ध्यान रख लेना। आने वाले समय में पेपर टफ होने वाले हैं, जेल वार्डन का एग्जाम लेंदी था और टफ भी था वो, तो इसलिए थोड़ा सा संभाल के पढ़िए। 2021 आपके लिए मंगलमय होगी, ये मेरा जो है आपसे एक आशा भी है और आप उसको करेंगे भी, पूरी ताकत लगाइए। यही साल है वैकेंसी का आने वाले समय में। पहले ही आपको पता है कि संविदा का जो सीन है वो चल रहा है, वो एक ऐसी सुसुप्त स्थिति में चला गया, लेकिन वो अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाली कोई भी गवर्नमेंट होगी वो उसको लागू करने की दोबारा कोशिश करेगी, इसलिए इस साल कोई भी वैकेंसी है उसमें अपनी ताकत लगा के जॉब लेके निकल जाइए। धन्यवाद दोस्तों।